फैंस को यही कहूँगी कि प्यार बांटिए. जब भी किसी के भी घर पे गणपति पापा आते हैं तो सब आते हैं, सारे रिलेटिव सारे फ्रेंड आते हैं और सब प्यार बांटते हैं और प्योर लव होता है. तो वैसे ही हर समय बांटिए. आई गेस हमेशा पापा आके हमें यही सिखाते हैं तो हमें वैसे ही करना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए, स्पेशली विसर्जन डांस. मैं लोगों के घर जाती हूँ, अपने सारे फ्रेंड्स के घर जाने की पूरी कोशिश करती हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ फ्रेंड्स बहुत दूर रहते हैं तो नहीं जा पाती. बट मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे लोगों को नाचते हुए देख के, हंस खेलते हुए देख के, सब इन्जॉय कर रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, वो देख के बहुत मज़ा आता है. कुछ भी नहीं है, मैं और तारा बहुत सिमिलर है, बहुत ज़्यादा. हाय, दिस इज रोशनी वाली एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चस्का. हैप्पी गणेश चतुर्थी. मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे भी भीड़ भड़क्का हो वहाँ पे आप अच्छे से नियमित तरीके से लाइन लगाकर पंडालों में जाएं और सेफ रहें और बस एंजॉय करें, दूसरों के घर जाएं, अच्छे से मोदक खाएं और मज़ा करें. और गणेश चतुर्थी की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं. गणपति जी मेरे घर पे तो नहीं आते, लेकिन मैं इंतज़ार करती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ से इन्विटेशंस मिल रहे हैं, फिर उस हिसाब से मैं हो सके तो हर किसी के घर जाके बापा के दर्शन लेती हूँ और इसी बहाने सबसे मिलना होता है. मैं अपने सारे दोस्तों को बोलती हूँ कि मेरे लिए सिर्फ उकड़ी से मोदक, जो स्टीम किए हुए गणपति के ऑथेंटिक मोदक होते हैं, वो मेरे लिए रखें, मुझे पेड़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. सबसे पहले आज जी के, आज जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पूछा? गणेश चतुर्थी का माहौल है तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बाप रे, ये तो मुंबई का त्योहार है, बिल्कुल मुंबई का त्योहार है. और जो मुंबई में जो बाहर से लोग आते हैं वो भी अभी गणपति लाने लगे हैं. मतलब इतना फेवरेट त्योहार, सण हम बोलते हैं मराठी में सण, ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्योहार है. कोकण से लेके वहाँ विदर्भ तक लोगों के घर में गणपति आता है और लोग बहुत बहुत भावुकता से, बहुत इमोशनल होके, बहुत सच्चे दिल से गणपति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं. लोकमान्य तिलक जी ने ये सार्वजनिक गणपति उत्सव की शुरुआत की थी और तब से ये जो चल के आ रहा है, ये सारे जो मंडल्स है गणपति के मुंबई में, अक्रॉस ऑल ओवर द महाराष्ट्र, ओके, दे आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब. जैसे कि अभी बाढ़ आई थी सांगली में तो इन लोगों ने बहुत बहुत हेल्प की, ओके. और भी बहुत सारी चीज़ें, ब्लड डोनेशन होता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है. मैं डॉक्टर तो हॉस्पिटल में कोई गरीब पेशेंट होता है और कोई ये जो गणपति के मंडल होते हैं इनको कॉन्टैक्ट करने के बाद वो हेल्प करते हैं, उनको पैसों की मदद करते हैं, उनको कपड़ों की मदद करते हैं. तो ये माहौल बहुत अच्छा है. मुझे ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने ये पूरा पहली बार देखा हूँ, ये स्थापना पूजा सब पहली बार देखा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब देख के. और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा मुझे मोदक जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद है. ये माहौल से मैं काफ़ी फेमिलियर ऑलरेडी हूँ, बट यहाँ का एक पॉजिटिव वाइब है जो मुझे बहुत पसंद आया. और प्लस ये स्थापना ही हमसे हुई है तो इससे ज़्यादा बेटर और क्या हो सकता है. तो यस, आई एम लविंग द एंटायर एटमॉस्फियर. प्लस गणेश जी की मूर्ति इतनी सुंदर है, इट्स सो वाइब्रेंट, इट्स सो जायंट, इट्स सो ग्रैंड, सो या ब्यूटिफुल.